और आई भी खबरें आपको विस्तार से बताते हैं। पुणे से एक बड़ी खबर जहां पर लग्जरी गाड़ी ने दो लोगों को कुचला है और लग्जरी गाड़ी से दो लोगों के कुचलने के इस मामले में नाबालिग जो आरोपी है उसके साथ बालिगों जैसा व्यवहार किया जाए इस पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। पुणे पुलिस ने कोर्ट में नाबालिग आरोपी को बालिगों की तरह ही ट्रीट करने की एप्लीकेशन दी थी। दूसरी तरफ नाबालिग आरोपी के पिता को पुलिस कोर्ट में पेश करेंगे। एक दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर से पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता को गिरफ्तार किया। बता दें आपको 19 मई की ये घटना है जब देर रात तक एक नाबालिग लड़के ने तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ी से दो लोगों को कुचल डाला जिनकी हादसे वाली जगह पर ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई। इसके बाद जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी लड़के को निबंध लिखने, ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करने की शर्त पर जमानत दे दी। लेकिन अब एक बड़ी जानकारी कि नाबालिग के साथ बालिग जैसा जो ट्रीटमेंट किया जाए उसको लेकर याचिका जो दाखिल की गई है उस पर आरोपी के पिता की आज कोर्ट में पेशी होनी है। दो करोड़ की कार, दो सौ किलोमीटर की रफ्तार। एक रईस जादे के बेटे ने कार से दो लोगों को उड़ा दिया। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूटर को टक्कर मार दी। स्कूटर सवार लड़के और लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एमपी के रहने वाले इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्वनी कोष्ठा की मौत हुई। दोनों एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। कार पर नंबर प्लेट नहीं थी। कार सवार नशे में थे। टक्कर के कारण कार के एयरबैग खुल गए थे। पुणे के पॉश कार हादसे में कोर्ट ने आरोपी नाबालिग को घटना के 15 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी। कोर्ट ने शर्त रखी कि लड़के को 15 दिन के लिए यरवदा में ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा, दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखना होगा, शराब पीने की आदत का इलाज और काउंसलिंग करानी होगी। वहीं पुलिस ने नाबालिग के पिता और बिल्डर विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद से हिरासत में ले लिया है। वो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। 17 साल का नाबालिग अपने दोस्तों के साथ 12वीं पास करने की खुशी में पब से पार्टी करके वापस आ रहा था। रात करीब 2:15 पर कार ने बाइक सवारों को टक्कर मारी थी। सबको पता है कि उसने लिकर कितना कंज्यूम किया हुआ था, वो कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है, वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, वो भी इतनी हाई स्पीड में। और फिर लास्ट में उसको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो उसके ऊपर एक एसे लिख के आएगा, तो ये कोई मजाक नहीं चल रहा। मेरे भाई की ज़िंदगी के साथ ये बहुत बड़ा मजाक है। और मैं नहीं मानती कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना कुछ इतना ब्रॉडली दिया हुआ है कि यहाँ से कोई भी दोषी जो है वो ऐसे बच के नहीं जा सकता। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करती हूँ कि मेरे भाई के लिए जितनी भी हो सके उतनी आप मदद कीजिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा बेहद खौफनाक था। कार की टक्कर से बाइक सवार लड़की हवा में कई फीट उछलकर जमीन पर आ गिरी थी और युवक पास खड़ी दूसरी कार में जा टकराया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार लड़कों को पकड़ रखा था। लड़के नशे में थे। लोगों ने आरोपी लड़कों की जमकर धुनाई भी की। पुणे पुलिस का कहना है कि वो आरोपी लड़के की जमानत के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट जाएगी। अपराध बेहद गंभीर है, ऐसे में आरोपी लड़के के साथ बालिग जैसा सलूक किया जाना चाहिए। कल की जो घटना एक्सीडेंट की थी अत्यंत सीरियस, अत्यंत गंभीर, अत्यंत दुर्दैवी घटना थी। पुलिस ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। इमीडिएटली इस प्रकरण में ACP दर्जा के अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन दी गई थी। 304 IPC जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का सेक्शन है वो इस केस में अप्लाई किया गया था। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि इसमें 304A जो कि नॉर्मली एक्सीडेंट में लगाया जाता है वो सेक्शंस नहीं लगाए गए थे, इसमें 304 सेक्शन लगाया गया था। पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से इस प्रकरण को लिया था। इस मैटर में 304 लगाने के बाद हमने कोर्ट को एप्लीकेशन मूव किया था।
कि इस जुवेनाइल को ही शुड उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये एक हीनस क्राइम है। पुलिस अब केस को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। नाबालिग लड़कों को शराब परोसने वाले पब मालिक के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जान की कीमत इतनी सस्ती है कि कोई रईस ज्यादा शराब के नशे में किसी को मौत के घाट उतार दे और चंद घंटों में छूट जाए? क्या सिर्फ निबंध लिखने से आरोपी का गुनाह माफ हो सकता है? क्या निबंध लिखने से इस रईस ज्यादा के दिमाग ठीक हो जाएगा? इस रईस ज्यादा ने दो घरों के चिराग बुझा दिए। दो घरों में इसके कारण आज मातम छाया हुआ है। क्या आपको नहीं लगता इसे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। खबर नोएडा से, जहां पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक नाबालिग ने कार से दूसरे नाबालिग लड़के को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला जानिए इस रिपोर्ट में। नोएडा में एक बाइक सवार नाबालिग लड़के को कार सवार नाबालिग लड़के ने कुचल दिया। नोएडा के सेक्टर 135 के छपरौली गांव के पास की ये वारदात है। पुलिस ने कार चलाने वाले आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। हादसे के बाद मृतक लड़के के परिवार वाले और जानने वालों ने जाम लगा दिया और इंसाफ की मांग करने लगे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और कार और बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और हर एंगल से मामले की जांच जारी है। मृतक लड़के के परिवार का आरोप है कि जानबूझकर गाड़ी चढ़ाई गई। पुलिस आरोप की हकीकत जानने में जुट गई है। गाड़ी है जिससे कि मोटरसाइकिल पर सवार बच्चे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक बच्चे की दुखद मृत्यु हुई है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें कि वो कार और एक बच्चे जो मोटरसाइकिल पर सवार हैं वो दिख रहे हैं। घटना के संबंध में परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। परिजन के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि उसको टक्कर कई बार मारी गई है और उनकी हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया ये आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं। प्रथम दृष्टया ये एक आकस्मिक एक्सीडेंट की घटना है जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। फिर भी परिजनों के द्वारा लगाए गए आरोप की गहनता से हम लोग जांच कर रहे हैं। इस संबंध में गाड़ी का मालिक और गाड़ी पुलिस के हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। पुलिस के भरोसे के बाद मृतक के परिजनों ने सड़क खाली की। पुलिस के जांच के भरोसे के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, नोएडा।